नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रंजीत तंजोर आर्ट बाय महेश वैष्णव में। और मैं पेंटिंग सिखाने के लगभग 11 वीडियो पहले कर चुका हूँ, आपको शेयर किए हैं। आपको कैसे लग रहे हैं और आप काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, ऐसे आप लोगों ने मेरे को कमेंट्स किए हैं व्हाट्सएप पे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट्स करें और उसमें पूछें, तो और लोगों को भी थोड़ा सा लाभ होगा। आज मैं बताने वाला हूँ, जो पहले शेडिंग की प्रैक्टिस बताई थी और एक थोड़ा सल मिक्स करना बताया था, अब उसी में आगे थोड़ा सा प्रोसेस और आगे स्टेप बढ़ाते हैं। और इस तरह से मैं वीडियो छोटे छोटे बना रहा हूँ, और तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं पूरा एकदम वीडियो बड़ा बना दूंगा पूरा कंप्लीट करके, तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो ये आपके लिए यही ठीक है कि भाई जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही प्रैक्टिस करना है। आज मैं बताने वाला हूँ कि जो पहले सल की प्रैक्टिस कराई थी, अब उसको एक लहंगा बना के और उसको पूरा कंप्लीट करते हैं शेडिंग में। तो चलिए दोस्तों, मैं आप शुरुआत करता हूँ। दोस्तों कलर कैसे चलाना, कैसे लेना, कितना पानी मिलाना, ये तो मैं पहले बता ही चुका हूँ। आज हल्के से एक लहंगे का स्केच कर लेते हैं। अब ये हमारा लहंगे का स्केच हो गया है। सबसे पहले तो बिल्कुल थोड़ा पतला करके और बिल्कुल हल्के कलर से कहाँ कहाँ सल आने हैं उसका एक बार हमको लाइन कर देना है। ऊपर थोड़ा सा इकट्ठा हुआ लहंगा होता है, तो यहाँ पे पास पास आएंगे सल। अब शुरुआत करते हैं जो प्रैक्टिस किए उसका आगे का काम। प्रक्रिया वही रखनी जो पहले बताया है, आगे आते आते ब्रश के सिर्फ बाल चलना चाहिए। मैं थोड़ा फुर्ती से कर रहा हूँ, मेरे प्रैक्टिस है, आप लोग थोड़ा सा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं। और ये भी चेक करते रहना है कि ब्रश में ज़्यादा पानी तो नहीं है। अभी आपके ऊपर है कितना डार्क करना चाहते हैं, कितना लाइट करना चाहते हैं, या किसी फोटो को सामने रख के और आप कर रहे हो तो उसमें कितना डार्क लाइट है। पर हल्का मिक्सिंग में हल्का कलर
सेटिंग का सब पूरे सल पे आना चाहिए, और थोड़ा और हल्का करके, हल्का मतलब कलर पतला, तो इस तरफ भी जैसे सल के इस तरफ भी थोड़ा सेटिंग आप लगा सकते हैं। अगर इधर थोड़ी हल्की सी शेडिंग लग जाएगी तो पूरा ये गोले में दिखेगा सर, पर इस तरफ डार्क नहीं लगेगी, हल्का सा बस पानी फिरेगा। अब अभी ये सल हल्का है, इसको डार्क करना है तो थोड़ा सा कलर ज़्यादा रखेंगे, जो पहले जो यूज किया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, एकदम ज़्यादा नहीं रखना नहीं तो पूरा सल खराब हो जाएगा। और पहले जो कम कलर रखा था वो आगे तक फैलाया था, अब थोड़ा सा फास्ट ज़्यादा कलर है तो आपको यही ख़त्म करना है, आगे तक फैलाना नहीं। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर गीला है कलर तो बार बार वहाँ पर नहीं करना है, वहाँ पे ब्रश नहीं चलाना है। ये ब्रश आगे तक नहीं कर रहे हम, बस ये यहाँ थोड़ा डार्क करके उसको मिक्स कर रहे हैं। इस तरह से सल के पूरे कंप्लीट होंगे, और आपको डार्क कितना करना है उतना आप बार बार करेंगे तो डार्क होता जाएगा। तो जो मैंने सेटिंग लगाना बताया है और उसमें प्रैक्टिस किए, तो उसका आपने देखा है कि प्रैक्टिस करने के बाद क्या नतीजा निकला है और कैसे सल दिखने लग गया है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी, बस मैं जो बता रहा हूँ आपको वो प्रैक्टिस करनी है। बस आपको अगर पेंटिंग सीखना है तो आपको मैं सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, पर आपको पूरा मुझे फॉलो करना है कि कैसे ब्रश चलाना है, कितना कलर लेना है, कितना पानी लेना है, कैसे ड्राई रखना है, ये सारा आपको ध्यान रखना है। और अपने इस वीडियो को, मेरे वीडियो को आगे से आगे आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि आप शेयर करोगे सब्सक्राइब करोगे तभी आगे तक मेरा वीडियो पहुंचेगा। और मेरा प्रयास है कि जो भी सीखना चाहता है उसको मैं पूरा 100% सिखाऊं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।